उत्तराखंड विधानसभा का इस वर्ष का दूसरा सत्र सोमवार से शुरू हो गया। बताने की पहले दिन सदन में दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सत्र शुरू होते ही नियम 315 के तहत प्रस्ताव रखा गया और प्रश्नकाल स्थगित कर मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रकाश पंत की कमी उनको ही नहीं पूरे सदन को महसूस हो रही है। उधर सत्र के दौरान विभिन्न मामलों में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जन समस्याओं को लेकर विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका जवाब देगी। सीएम के साथ संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक सहित सभी मंत्री और विधायकों ने प्रकाश पंत के साथ बिताए पलों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। प्रकाश पंत जी स्वर्गीय हो गए हैं, सच बात ये कि अभी भी यकीन नहीं होता है, और उन्होंने सदैव चाहे सदन हो या सदन से बाहर हो हमेशा बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लिए हैं, सबको साथ लेकर चलने का उनका एक अपनी एक विशिष्टता थी, और उनके जाने से एक रिक्तता आई। वो रिक्तता को भरने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, और जो उनकी कमी है वो तो निश्चित रूप से हमारे लिए, मैं ये कहूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में वो मेरे साथ जिस तरह से वो काम को हम सौंपते थे वो काम करते थे, तरह तरह की दिक्कतें भी आती हैं शासन चलाते हुए, तो उसमें एक निवारक की भूमिका में रहते थे। उनका इस तरह से जाना ये जहाँ हमारे सदन के लिए एक बड़ी क्षति है, वहीं राज्य के लिए भी एक अच्छे विचारक चिंतक चले गए, राज्य के लिए भी एक बड़ा भारी नुकसान। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि कई मुद्दे वो चलाना चाहते हैं, सदन में रहना चाहते हैं, लेकिन सदन चल नहीं रहा है। अभी इंदिरा हृदयेश भी कह के गई है कि सरकार चलाना नहीं चाहती सदन, ये उनकी शिकायत उसको दूर कर लिया जाएगा। की बैठक में आज के लिए स्वर्गीय प्रकाश पंत के लिए श्रद्धांजलि के लिए और विषय रखा था, आज सुबह सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव कि जो निधन के निर्देश है उसे छोड़कर बाकी सारे विषयों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, और आज स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के निधन के अवसर पर और श्रद्धांजलि का प्रस्ताव जिस पर माने सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वो चल रहा है और लंच के बाद तक भी चलेगा। ये सत्र का मुझे याद है कि इसी सत्र में माने प्रकाश पंत जी ने जो पुलवामा के शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत सी बातें कही थी, और कैसी विडंबना है कि आज हम इस सत्र में विशेष सत्र बुला के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल आभास नहीं हो रहा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं तो बहुत नज़दीक से मैंने उनको देखा, यहीं आपके जहां बैठे हैं यहीं बैठ के हम सुबह रोज सत्र के दौरान तो विशेषकर बैठ के दिन भर के एजेंडे की चर्चा करना, उनके साथ अनेकों बातों को शेयर करना, वो हमेशा मेरे मन मस्तिष्क से कभी नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रकाश पंत यूपी के समय से ही उनके साथी थे और उनकी जैसी छवि उन्हें किसी में नजर नहीं आती। प्रकाश पंत कम आयु में चले गए और सबसे पहली जो विधानसभा उत्तराखंड में बनी उसमें वो अध्यक्ष भी बने विधानसभा के, तो बहुत कम लोग कम अनुभव कम आयु में इतना अच्छा विधानसभा चला सकते थे, क्योंकि मुझे तो लगभग 20-22 साल उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हो गए और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बीच में रहने का भी मौका मिला। इसी तरह कुछ संशोधन भी वो प्रस्तुत करते थे सदन में जो कोई नया सदस्य नहीं कर पाता, और उन्हें अक्सर कहती थी भैया ये सब तूने कहाँ से सीखा है। तो इस प्रकार सदन से एक छोटा भाई चला गया
जो ये लगता ही नहीं था किस पार्टी में है, ये लगता था अपना है और अपना एक व्यक्ति चला गया, तो सभी दुखी है, हम सब भी दुखी है। वहीं उत्तराखंड के निवासियों को बनवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी की ताकत पर कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दल के होते हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो पूरी विधानसभा के होते हैं, तो वो 71 के 71 जो हैं, जो हमारे विधायक हैं और पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम पहले भी उनसे मिले थे, उन्होंने सरकार से बातचीत की है और वनाधिकार के जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे मुस्तैनी हक हकूक थे, जो हमारे अधिकार थे, बल्कि जंगल हमारी लाइफ लाइन थी, वो हमसे छीन लिए गए हैं। उसमें हमारे 9 बिंदु में से खाली एक बिंदु जो है वो केंद्र सरकार का है, बाकी सब राज्य सरकार के हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि हमारे हक हकूक हमें वापस मिलने चाहिए। यहाँ उत्तराखंड, सभी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, एक गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली, और हम पानी के बैंक हैं, यहाँ के लोगों को पानी निःशुल्क मिलना चाहिए। इस तरह के जो हमारे बिंदु हैं उनको लेकर के उन्होंने उस पर काफी ध्यान दिया और वो सरकार से बातचीत भी करेंगे जी। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र केवल 2 दिनों का है। पहला दिन दिवंगत नेता प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई और सत्र की कार्यवाही के लिए केवल 1 दिन और बचा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किन बिलों को पास करती है, साथ ही राज्य के किन समस्याओं पर चर्चा करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।